हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैं रविदा, मेरे यूट्यूब चैनल का आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। बच्चों की डिमांड है, वैसे तो पनीर आजकल बहुत अच्छे आते ही हैं, उनको बकवास हो जाते हैं। कोई पाउडर का बना रहा है, कोई दूध का बना रहा है, कुछ नहीं पता कैसे बने हैं। लेकिन ये है कि बच्चों को कौन समझाए, बच्चों को तो पनीर ही खाना, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, खाना है पनीर तो खाओ, बना देती हूँ, मुझे तो बनाना ही है। ये है, और मैंने पनीर को पहले कट करके ना उसको एक दो मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। एक दो मिनट के लिए बहुत होता है, अगर कढ़ाई तुम्हारी तेज़ हो रही है ना, तो उसमें थोड़ा छोड़ के ना उसको डीप फ्राई कर दिया मैंने। पता नहीं कैसा बनेगा, देखो आप जान के तो मैं ठीक ही बनाऊँगी। बच्चों को खाना है पनीर, पनीर पनीर सिर्फ पनीर। और तो सब्जी मुझे खाने नहीं होती, लौकी नहीं खानी, तोरी नहीं खानी, कुछ नहीं खाना, सिर्फ आलू दाल और पनीर। ये है मेरे बच्चों की चॉइस। मैंने डाल दिया थी जीरा नहीं, और फिर मैंने इसमें डाला है प्याज और लहसुन का पेस्ट, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाते हुए भून लूँगी। चढ़ाती जाऊँगी मैं जिससे कि टिके ना, क्योंकि मैंने तेल ना थोड़ा कम ही चढ़ाया है। ज़्यादा तेल टिकता हुआ कोई खाना चाहता नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा तेल कम ही चढ़ाती हूँ। सब्जी इतनी पसंद होती है, कोई सब्ज़ी में तेल ऊपर दिखता हुआ पसंद करते हैं, कोई किसी को सब्जी में तेल अगर दिख गया तो कितना तेल डाला वो नहीं पसंद करते। तो मेरे घर पर ही सबको कम तेल वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैं तेल कम ही डालती हूँ। और अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। मैं इसको अच्छे से भून दूँगी और फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। हल्दी डाल दिए, धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा गरम मसाला वो सॉरी जीरा पाउडर डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी, मिर्च में डाल दूँगी। बाद में सब्ज़ी तैयार हो जाएगी पापड़ी के निकालने के बाद। मसाला मेरा हो चुका है, तेल तो इसमें छोड़ा नहीं क्योंकि तेल था ही कम, तो छोड़ेगा वहाँ से। फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी, जितना मुझे ज़रूरत है उतनी, क्योंकि मैं बहुत पतला तो बना रही हूँ इसलिए मैंने कम ही डाला है, एक लोटा करके डाला है। थोड़ा सा मैंने मटर में भी था, एक कटोरी या एक कप के करीब मैंने मटर में ना एक सीटी लगा दी थी, क्योंकि थोड़ी मटर मैंने सफ़र ली थी ना तो वो अच्छे से थोड़ी गल सी जाएगी इसलिए। और अब इसको मैंने पनीर भी डाल दिया इसमें, मैं इसको थोड़ी एक दो मिनट के लिए उबलने दूँगी और उसके बाद मैं इसमें वो डालूँगी गरम मसाला वगैरह, और फिर मैं देखती हूँ कैसी बनेगी। सब्ज़ी हो गई मेरी तैयार, अब मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, थोड़ा सा पनीर मसाला, और सब्ज़ी मेरी अच्छी बन गई है। आप लोग भी इंजॉय करो, हम भी करते हैं। तब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।